एक ये देखिए, टाइनी सी, छोटी सी और कुछ कुछ मोटी सी भी। पांच दिन बाद हमने गाजर की सीडलिंग की थी और अब इनकी पांच दिनों के बाद जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। करीब करीब सभी बीज अपनी जर्मिनेशन शुरू कर रहे हैं, पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द इनके नीचे गाजर बनना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी गाजर नहीं बनेगी जब तक कि ये पत्ते मिचोर नहीं हो जाते। 5 से 6 पत्ते इनके ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, उसके बाद में नीचे गाजर बनना शुरू हो जाएगी। मिट्टी को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, आपने हल्का सा मॉइस्ट ही रखना है। जब बीज की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो जाए तो पानी ऊपर से मत दीजिएगा। पानी देने के लिए आप नीचे से ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्रे के ऊपर गमले को रख दिया और ट्रे के अंदर पानी भर देता हूँ तो पानी नीचे से ही मिट्टी लेती रहती है। ऊपर से पानी थ्रो करने की वजह से ये स्प्राउटिंग गिर भी सकती है और आपका काम ख़राब भी हो सकता है। 9 दिन बाद गाजर की सीडलिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है और अब तो पौधे बनना भी शुरू हो गए हैं। डायरेक्ट जहाँ पर इसको लगाना हो बीज को वहाँ पर लगा दें और उसके बाद इसको छेड़े नहीं, वहीं पर ये पौधा बनेगा और फ्यूचर में नीचे गाजर बनना भी शुरू हो जाएगी। 13 दिन बाद गाजर की सीडलिंग भी शुरू हो चुकी है और इनमें से दूसरे पत्ते भी निकलना शुरू हो चुके हैं, जिस तरह के धनिए के पत्ते होते हैं। जब ये पत्ते निकलना शुरू हों तो समझ जाइएगा अब नीचे गाजर बनना भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो भी आपको दूसरे पौधे दिखें उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। हम नहीं चाहते कि हमारी गाजर की पावर कोई और सब कर ले। तो अब देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होते हैं। हम इनकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम हल्का हल्का सा इसके सरफेस को गुड़ाई कर देंगे ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे। मैं ऊपर से पानी नहीं दे रहा, मैं देता हूँ ट्रे से पानी, क्योंकि ऊपर से पानी देने से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पौधे मर भी सकते हैं या गिर सकते हैं, लेकिन ट्रे से पानी देना बिल्कुल सेफ रहता है। 15 दिन बाद लेकिन अब ज़रूरत है मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करने की ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे और जल्दी ही पत्ते और न्यू निकलें और नीचे फ्रूट बनना शुरू हो जाए। गुड़ाई बहुत डीपली आपने नहीं करनी, सिर्फ हल्की हल्की सी गुड़ाई कीजिए ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बन जाए। जब इसके पत्ते और ज़्यादा ग्रोथ करने लगेंगे उसके बाद हम थोड़ी सी और डीपली गुड़ाई करेंगे, लेकिन इतनी डीपली नहीं करनी कि गाजर डैमेज हो जाए। इसके अंदर इस वक्त काफ़ी पानी मौजूद है, प्लास्टिक का पॉट मैंने यूज़ किया और प्लास्टिक के पॉट के अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई फील होने लगे तब हम पानी देंगे। 19 दिन बाद बहुत जल्द ये नीचे से गाजर बनाना भी शुरू कर देंगे, लेकिन इसको आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, नहीं तो नीचे से ही गाजर गल जाएगी अगर बनी तो। हल्की हल्की सी गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि ऊपर वाली साइड पर जो मॉस उग जाती है, जो ग्रीन ग्रीन सी आपको फील हो रही होगी, ये उग जाती है, ये कील होती रहे टाइम टू टाइम और मिट्टी के अंदर एरेशन सिस्टम भी बना रहे गुड़ाई करने की वजह से। गोडी कर लेने से मिट्टी के अंदर हवा जा सकती है, पानी इन आउट हो सकता है और वाटरिंग जो होती है वो भी सूरज की धूप की वजह से ड्राई होने लगता है। बहुत से फ़ायदे होते हैं गुड़ाई करने के। अक्टूबर की आज 19 तारीख हो चुकी है, बहुत जल्द सर्दी आ जाएगी और उसके बाद हम इसको बहुत ही कम पानी देंगे। मान लीजिए पानी 1 महीने में या 15 दिन में एक मरतबा देना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी के दिनों में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है पानी की, मतलब खपत कम हो जाती है। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं, तो स्टे विद मी। 22 दिन बाद सबके सब सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की चल रही है। अब ऐसे लग रहा है जिस तरह हम धनिया को देख रहे हैं, लेकिन ये धनिया नहीं है, धनिया जैसे हैं। और अब इसको कोई भी हम खाद भी नहीं देंगे, सिर्फ जो पहले ही मिट्टी में हमने डाल दिया वही डाल दिया। अब हम इसको हार्वेस्टिंग तक कुछ भी नहीं डालेंगे। 38 दिन बाद मतलब 38 डेज के बाद गाजर के पौधों की ग्रोथ काफ़ी लंबी हो गई है। ऊपर से देखिए ये इस तरह लगता है जिस तरह घास हो, लेकिन देखने को काफ़ी खूबसूरत भी लगती है, लेकिन इनको धुंध से बचाना पड़ेगा। आजकल सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं और रात के टाइम काफ़ी धुंध भी पड़ती है और सुबह के टाइम भी धुंध होती है, तो फोक से भी इसको बचाना बहुत ज़रूरी होगा। इसको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर थोड़ा सा शेड हो, डायरेक्ट ओस इनके ऊपर ना पड़ पाए। इनके ट्रंक मोटे होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब हमें लगे कि सरफेस एरिया ड्राई हो रहा है तो उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे। ज़्यादा पानी हम देते रहेंगे तो नीचे से गाजर बनना शुरू ही नहीं होगी, और अगर गाजर बनना शुरू हो भी गई तो वो गल जाएगी अंदर ही मिट्टी में, इसलिए हमें पानी कम देने की ज़रूरत होगी। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और गाजर कब बनेगी। 48 दिन बाद और अभी आई थिंक नीचे गाजर बनना शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन गाजर बनना जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ये आप इनके ट्रंक देख सकते हैं, ये ब्रांचेज
ये ब्रांच जो मिट्टी के अंदर है यहाँ से गाजर बनना शुरू होगी, लेकिन अभी आई थिंक कुछ दिन और लग ही जाएंगे इसको। लेकिन आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये नीचे ही गल जाएगी। हमने कोई भी और खाद यूज़ नहीं की, सिर्फ जो पार्ट वन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वही यूज़ किया है। उसके बाद कोई भी खाद या पेस्टिसाइड स्प्रे मैंने इनके पत्तों के ऊपर और ना ही मिट्टी में यूज़ किया है। 98 दिन बाद, मतलब 2 दिन कम 100 दिन, अब मैं चाहता हूँ इनको हार्वेस्ट कर ही लूँ। मुझे लग रहा है जिस तरह इनके अंदर अब गाजर बनना शुरू हो चुकी होगी और अब इनका टाइम आ गया है हार्वेस्टिंग करने का। हमने 10 इंच के गमले के अंदर इतनी सारी गाजरों के बीज लगा दिए और अब देखते हैं कितनी गाजरें हमें मिलेंगी, क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने बहुत ही कम डिस्टेंस पर बीज लगाए थे, मतलब पौधे लगाए थे। अब देखते हैं गाजरें बनी होंगी या नहीं, लेकिन ऊपर से तो बहुत कमाल की ग्रोथ अभी लग रही है मुझे। ऊपर से देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह 1-1 फुट की गाजर होगी ज़मीन के अंदर। सो अब देखते हैं निकाल के कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसको देखकर तो ऐसे लगता है जिस तरह गाजर अंदर बन रही है, लेकिन अब उखाड़ कर देखेंगे तो मज़ा आएगा। काफ़ी मज़बूत है। पहले इसके रूट बॉल को ही हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसकी रूट स्पोर्ट से बाहर निकल रही है। बहुत ही वेट है इसका, ऊपर से प्लास्टिक का गमला है इसलिए रूट बॉल को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं गमले को तोड़ना नहीं चाहता इसलिए मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, ज़रा ये देखिए मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अरे वाह, ये देखिए एक गाजर। चलिए ऐसे ही उखाड़ने की कोशिश कर। अरे वाह, अरे ये देखिए कमाल हो गया, लाल रंग की गाजर। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो देखकर ही, जब इसको खाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। अब दूसरी उखाड़ते हैं। ये देखिए जो साथ साथ में पौधे लगे हुए थे उनकी गाजर का साइज़ काफ़ी छोटा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है ये। ये देखिए एक टाइनी सी गाजर, एक ये देखिए टाइनी सी छोटी सी और कुछ कुछ मोटी सी भी। अरे वाह, ये देखिए गाजरों का गुच्छा, कमाल है ना। और अब इसकी बारी। ये देखिए कितनी सारी गाजरें साथ साथ में और इनके रूट्स भी। इसके अंदर बहुत सी अभी जड़ें भी होंगी जिसकी वजह से मिट्टी का बाउल बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो ये देखिए कितनी सारी गाजरें 1 10 इंच या 12 इंच के गमले के अंदर हम उगा पाए। मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ऊपर से देखने को ऐसा ही लगता था जैसे पत्ते ही ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन नीचे गाजर नहीं बन रही होगी। तो आज मैंने सोचा वीडियो को कम्प्लीट कर ही लूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था इतनी सारी गाजरें भी साथ में मिलेंगी। ये रही बड़ी गाजरें और ये रही उनके बच्चे, मतलब छोटी गाजरें। बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे देखकर। और यकीन मानिए, हाँ पता नहीं आपको भी खुशी होगी कि नहीं। और ऑर्गेनिक गाजरें बिना किसी केमिकल के स्प्रे के या खाद के हमने ये उगाई, तो आप भी उगा सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो इनके पत्ते बच जाएं उनको आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते हैं पत्ते, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनके अंदर लकड़ी नहीं होती, इसलिए आप इनको अपने कंपोस्ट बीन में डाल सकते हैं जिसके अंदर आप कंपोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर। नहीं तो इसको बारीक बारीक करके मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं, जो क्यारी हो या ज़मीन हो आपकी उसके अंदर दबा दें तो ये पड़ी पड़ी खुद ही डिकम्पोज हो जाएगी और ये खाद का काम भी देगी मिट्टी को, मिट्टी को सॉफ्ट भी करेगी।